दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आपके लिए जॉन डियर के बहुत ही शानदार शानदार ट्रैक्टर लेकर आए हैं सर, हमारे साथ हैं, इनकी डिटेल में जानकारी देंगे क्या क्या नए नए फीचर्स जॉन डियर ने ऐड किए हैं। नमस्कार सर। सत श्री अकाल जी। सामने जो हमारे किसान भाई आपको चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, सबसे पहले उन्हें अपना एक छोटा सा परिचय करा दीजिए। मैं जी गालबुज एग्रो फार्म सोल्यूशन जगराओं तो बलजिंदर सिंह, अज पी डी एफ मेले डेयरी एंड एक्सपी जगराओं के लगा हुआ जी। उत्थे असी जॉन डियर के ट्रैक्टर का स्टाल लगाया तो साढ़े को अज 5210 फोर व्हील ड्राइव तो 5105 फोर व्हील ड्राइव 5210 फोर व्हील ड्राइव तो 5105 फोर व्हील ड्राइव के जानकारी देवे। ये ट्रैक्टर 5210 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर फोर व्हील ड्राइव। सबसे पहले तो फोर व्हील ड्राइव मतलब क्या इसका फायदा रहता है अगर किसान भाई इस ट्रैक्टर को लेते हैं, डिटेल में इसकी जानकारी दी। अज देखो जी, जे आप गल करिए हर दूजा ट्रैक्टर जॉन डियर की गल करदा, मैं हर दूजा ट्रैक्टर फोर व्हील ड्राइव विक रहा। फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर विकण का कारण एक भी ये नहीं कि भी छोटा किसान या वड्डा किसान, हर एक किसान दे लई बिल्कुल बहुत ही जरूरी है फोर व्हील ड्राइव। क्योंकि देखो जी अज 50 HP ट्रैक्टर 5210 फोर व्हील ड्राइव ये 2 व्हील 60 HP के बराबर काम करेगा। ये आप फोर व्हील ड्राइव के नाल हरेक तरह का इंप्लीमेंट जो आप खेत दे विच चला सकते हैं। देखो जी जिवें हुण जे 50 HP ट्रैक्टर 2 व्हील होवे तो इन्हें 11 के हल खिंचने, फोर व्हील वाले 13 के हल खिंच लेगा। जेकर ये 2 व्हील ट्रैक्टर 16 के तवे खिंचता है तो यह 18-20 के तवे भी खिंच सकता। बाकी 8 फुट रोटावेटर अजक जिमें अपना मल्चर वगैरह हो गया ज वैक्यूम प्लांटर, ये सारे एप्लीकेशन वास्ते बहुत ही वधिया है। ये जी 50 HP का इंजन है जी, गेयर प्रो है जी, गियर प्रो जिसे यहाँ पे मेंशन भी गया है, गियर प्रो एंड V2 मॉडल V2। तो ये क्या है इसके बारे में जानकारी दीजिए। गियर प्रो का मतलब यह है भी जैसे 4 स्पीडा गियर बनाती हैं, जो पहला जॉन डियर 3 स्पीडा होंगे सी ए बी ते सी, हुण इहदे च ए बी सी ते डी आऊगी। ये साडा जिहड़ा मॉडल है V2 मॉडल है, ये जनवरी के शुरू किया V2 मॉडल का। जिहड़ा गियर के जिहड़ा तोरा है बिल्कुल स्पीड बहुत घटी हुई है दूजे ट्रैक्टर V1 के मुकाबले आउंदे, दोनों ही V1 भी आउंदा V2 भी आउंदा, वह कस्टमर आपकी डिमांड के हिसाब से ले सकता। ये जो फ्रंट वाला टायर होगा जी वह 9/5/24 का होगा जी। फ्रंट रीयर की बात करें, रीयर ये 16/9/28 का होगा जी। ठीक है जी, ये टिल्ट स्टेयरिंग आ जाऊगा। टिल्ट स्टेयरिंग हाँ जी, उपर थले करने वास्ते जिस तरह किसान ने आपके तरीके से गाड़ियों में भी, अभी कुछ गाड़ियों में अभी आ भी नहीं रहा है। हाँ नहीं आ रहा है गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में आ रहा है जी। तो इस दे विच आर्म रेस्ट सीट है बहुत वधिया, आर्म रेस्ट सीट दोस्तों कंफर्टेबल बिल्कुल, और दोनों तरफ आर्म रेस्ट भी, ऐसा नहीं कि एक तरफ ही लगा दिया। ये जी डबल डिस्ट्रीब्यूटर हैगा जी, डबल डिस्ट्रीब्यूटर। सर मैं इसका फायदा जानना चाहूँगा, डबल डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा क्या रहता है। देखो जी अज जिस तरह कंप्यूटर कराया लेज़र लेवल की गल करते हैं, वैक्यूम प्लांटर की गल करते हैं, जां जिवें हैरो ने हैरो दे विच भी जैक लगे ने पिछला उठाने वास्ते टायर, जां हल भी आए ने फोल्डिंग वाले, ये जिहड़े इस एप्लीकेशन तो सारा कुछ चलना जी। अच्छा, जो नई नई मशीनरी आ रही हैं या नई नई इंप्लीमेंट्स आ रहे हैं उन्हें चलाने में बहुत आसानी रहती है। बिल्कुल आसानी, डबल डिस्ट्रीब्यूटर। दूसरे नंबर पर अजकल जिवें ट्रैक्टर के तुसीं इत्थे संगल देखे होने हैं जी, साडे जिमीदार भरा पंजाबी जिन्होंने जैक कह देंगे ने जी जी, हाँ ये स्टेबलाइजर लगे हुए हैं इनू। इसका क्या फायदा? इसका फायदा जी देखो अजकल जिवें आप रोटावेटर पाउणा जां सुपर सीडर पाउणा है तो जो ट्रैक्टर रोड पर जा रहा हुंदा ते जां खेत से भी चलता है वो जिहड़ा संगल हुंदा उह नॉर टुट जाता वा जी, इस करके हैवी ड्यूटी लगे ने, इन्हां दा टुटण दा खतरा घट, एक ना PTO नूं जिहड़ा झटका घट लगता। तो इसमें कितने जी जी, दूसरे नंबर ते साडे कोले सब तो वधिया फीचर है वी जिहड़े EcoR लिफ्ट लगी हुई है, किसी भी तरह का मन के ड्राइवर है उन्हें इंप्लीमेंट नाल ट्रैक्टर अटैच करना तो इतों लिफ्ट जी उपर नीचे हो जाएगी, ऐसा नहीं कि आगे ही जाना पड़ेगा लिफ्ट। हाँ, आगे नहीं जाना पड़ेगा, इस तरह का स्विच अगे भी लगा है जी, लीवर भी नाल ही है। अच्छा, मतलब ये फायदा है कि यहीं से वो एडजस्ट कर सकता, एडजस्ट कर सकता है। तो इसमें डीजल कितने लीटर का फ्यूल टैंक है इसका? ये 68 लीटर का फ्यूल टैंक लगा जी। उस तो बाद जी ये जी गल आप करिए डबल PTO आऊगी, अपना ट्रैक्टर गियर पार्क जी। और
क्या क्या और नए फीचर्स कुछ ऑन ऐड किए हो? नए फीचर दे विच जी एक V2 मॉडल ते गियर प्रो ही है। अच्छा। बाकी तो फोर व्हील ड्राइव है जिहड़ा ट्रैक्टर साडा पहला जिवें सेम आ रहा उही है, ये माइक्रो पंप दे नाल आ 50 HP दे विच। अच्छा, तो ये इस ट्रैक्टर में नए नए फीचर्स जॉन डियर 5210 में ऐड किए हैं जो कि फोर व्हील ड्राइव गियर प्रो V2 है। और नेक्स्ट ट्रैक्टर सर? नेक्स्ट ट्रैक्टर साढ़े को जी 5105 40 HP दे विच फोर व्हील ड्राइव आ, 5105 जॉन डियर फोर व्हील ड्राइव। हाँ जी, ये टायर साइज की आप गल करिए 8-18 का फ्रंट टायर है जी। जी, रेयर? रेयर 1328 जी। और वैल्यू ट्रिपल प्लस फोर व्हील ड्राइव V2, वैल्यू ट्रिपल प्लस क्या है? ये V2 मॉडल का गेयर का तोरा जिवें उस तरह का आ गया, वैल्यू प्लस जिवें इंजन का वर्जन होंगे, वैल्यू साढ़े 3+ आनी ने। तो मतलब इसका क्या फायदा है जैसे वैल्यू ट्रिपल प्लस लगाया, कुछ मतलब कुछ नया ऐड-ऑन किया है? नया आया, नया इस तरह आया, देखो जी इसका मैट आ गया इस जी। जी ठीक है जी, एक स्टीयरिंग चेंज किया जी, वैल्यू ट्रिपल प्लस लाया, ये तुहानू डबल PTO दे नाल मिलेगा जी, प्लस यदा भी इंडिपेंडिंग क्लच है। आलू की खेती वास्ते बहुत बेस्ट हैगा जी, जिवें अजकल आलू लाने वाली मशीनां ने वह वड्डियां भारियां आ गई ने, जां साडियां आलू पट्टण वाली मशीनां ने, वह फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर अजकल दे जमाने दे विच बहुत वधिया चल रहा है, छोटे ट्रैक्टर दे विच 40 HP दे विच, क्योंकि इहदा डीजल दी एवरेज बहुत वधिया है, किसान इहनूं बहुत पसंद करदा। बात करें एवरेज जैसे आपने बोला, तो कितना एवरेज ये किसान भाई को निकाल के देता है? देखो जी, मिनीमम 6 लीटर 5.5-6 लीटर एक घंटे का डीजल खांदा है। सबसे तकड़े इंप्लीमेंट पर लगाने के बाकी इन्हें भी जो बाकी का कस्टमर के चलाने पर भी किस इंप्लीमेंट पर वक्रे वक्रे इंप्लीमेंटा दे डीजल की एवरेज आ गई। जी जी बिल्कुल, जॉन डियर ट्रैक्टर की बात ही छोटे किसानों वास्ते भी बहुत परफेक्ट ट्रैक्टर है जी। जी जिम्मे 11 के हल 16 के तवे 7 फीट रोटावेटर आराम में खिंचेगा जी, मतलब कुछ भी इंप्लीमेंट लगा लीजिए ट्रैक्टर कहीं से कहीं तक दबने वाला। हाँ बिल्कुल जी, जिम्मे आलू पट्टने ने वह बहुत वधिया, आलू की बिजाई करनी है, मिट्टी वगैरह लानी है, स्प्रे वाले जिहड़े अजकल वड्डे टायर लगते हैं साढ़े ट्रैक्टर से बहुत लगते हैं। जैसे हमारे बहुत से किसान भाई कन्फ्यूज रहते हैं कि उन्हें 4x4 ट्रैक्टर लेना चाहिए या फिर 4x2, तो आप क्या सलाह देंगे? जैसे आप जॉन डियर के 4x4 ट्रैक्टर्स भी यहाँ पर लेकर आए हैं, आप 4x2 में भी डील करते हैं, तो आप क्या सलाह देंगे? देखो जी, मैं गल करदा साढ़े हर दूजा ट्रैक्टर जॉन डियर का अभी 4-wheel बेच रहे हैं, साडा मानना तो हरेक किसान को 4-wheel ट्रैक्टर लेना चाहिए। उसका रीजन? उसका रीजन है भी देखो 4-wheel ड्राइव देख तो टायरों की कसाई घटेगी, किसान का डीजल बचेगा, दूसरे नंबर पर काम करने के समा घट लगेगा, जिस तरह कि मान के चलो भी 4-wheel ड्राइव ट्रैक्टर 10 पावर का वध काम कर जाता, 40 पावर का ट्रैक्टर 50 HP का काम ले लाँगे, क्योंकि 4-wheel ड्राइव खिंचन वाले कामों के हमेशा वधिया, जिस तरह ट्रैलों की स्लिपेज है वो 4-wheel ड्राइव च घट जाती। बिल्कुल सही बात है, हाँ जब लोड ज़्यादा लगाएगा तो ट्रैक्टर स्लिप होता है 4x2 में, स्लिप, लेकिन जब चारों टायर्स अपनी जान लगा के चलेंगे तो टायर भी कम स्लिप होंगे तो घिसेंगे। हाँ जब स्लिप घस गया टायर की कसाई घटेगी, टाइम कम का टाइम घटेगा तो डीजल बचेगा। बिल्कुल सही बात है, हाँ जोर लगाने में टाइम भी जल्दी, हाँ काम जल्दी होगा तो डीजल भी कम लगेगा। 4-wheel ड्राइव ट्रैक्टर का कोई एक्स्ट्रा मेनटेन नहीं है भी यदा कोई ज़्यादा खर्चा है, चाहे साढ़े ट्रैक्टर तुम कद्दू च जिवें मर्जी चलाओ, ये किसी भी तरह की कोई योजना भी पानी पै जाएगा जो जा प्रॉब्लम आएगी। ये तो बहुत ही कमाल कमाल की आपने इसके फीचर्स बताए, दोनों जॉन डियर 5105 5210 4x4 के फीचर्स तो सर आपने बहुत ही शानदार बता दिया हमारे किसान भाई को। अब कोई किसान भाई हमारा आपसे संपर्क करना चाहे तो उसे कोई कॉन्टैक्ट नंबर या अपना एड्रेस बता दीजिए। हाँ जी, मेरा जी मोगा गालब्ज एग्रो फार्म सोल्यूशन मोगा बुगीपुरा चौंक बलजिंदर सिंह 94-644-53-304 ये आपका नंबर है। तो किसान भाई अगर कोई भी जानकारी जॉन डियर के किसी भी ट्रैक्टर के बारे में आपको लेनी हो तो सर से कांटेक्ट एक बार जरूर करें, सर आपको टोटली डिटेल में जानकारी अच्छे से देंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, किसी भी तरह की कोई भी जानकारी लेनी हो आप उस तरीके मैं फोन कर लेना, बेफिक्र होकर हरेक तरह की ट्रैक्टर की 4-wheel ड्राइव की 2-wheel की PTO पावर की इंजन की पावर की या किसी भी एप्लीकेशन कि ट्रैक्टर सही तरीके चलाऊगा वो जानकारी मिल जाए। सर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी ट्रैक्टर के बारे में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा भी सर।